हाय डियर सीएमए बॉडीज और ऑल अदर फाइनेंस प्रोफेशनल्स, बहुत सारे टाइम से बच्चों के रिक्वेस्ट आ रहे थे और अभी रिसेंटली काफी सारे स्टूडेंट्स ने अपने पेपर क्लियर किया है। तो सर का ये क्वेश्चन था कि मैंने ऑलरेडी एक बैच स्टार्ट कर लिया है और फिर भी बच्चों के रिक्वेस्ट आ रहे, तो हम क्या करें। तो मैंने कहा कि सर हम थोड़ा सा टाइम और अरेंज करते हैं और सैटरडे संडे को आप एक क्लास आप और ले लो, एक बैच आप और ले लो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इससे भी मैं अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और मुझे नहीं लगता कि आपसे कोई बेस्ट फैकल्टी है, बिकॉज अभी मैं 1.5 ईयर प्लस हो चुके हैं मेरे एसेंचर में और फिर भी मैं आपसे कनेक्टेड हूँ और आप मुझे सपोर्ट करते रहते हो। ये सबसे अच्छी बात होती है किसी भी फैकल्टी की, वो सिर्फ आपको सिर्फ पढ़ाई तक ही आपका साथ नहीं देते, फ्यूचर में भी आपके डिसीजन में भी आपका साथ देते हैं। ऐसे फैकल्टी मार्केट में बहुत कम है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स का हम एक बैच में हम ज़्यादा बच्चों को नहीं देते हैं, लाइक मैक्सिमम 6 7 8 मैक्सिमम हमारा टारगेट होता है, बिकॉज हम 1-to-1 सपोर्ट उसमें देना चाहते हैं। जो भी आपको चैलेंजेस इशू आते हैं एसएपी सीखने के लिए, तो सर को इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर आप एक अनाउंसमेंट और कर दो कि जो भी बच्चे डाउट्स में हैं और बैच अभी लेना चाहते हैं तो हम उससे इनके थ्रू बच्चों को बता सकते हैं कि हम बैच इस टाइम को स्टार्ट करने वाले हैं, इस डेट से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हाय सर, कैसे हैं आप? हाय हाय रोहन, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आपकी बस दुआ और दया है, ऐसे बना के रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा साथ तो हमेशा रहेगा, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, मेरा साथ तो हमेशा, मैं हमेशा आप लोगों के लिए खड़ा हूँ। क्या कभी भी हो, थैंक्स कोई भी सर। दिक्कत हो, मैं तो नहीं है। तो सर अभी हम कौन से मॉड्यूल का बैच स्टार्ट करने वाले हैं? अभी जो मैं सोच रहा हूँ वो फिर से फीको का ही सोच रहा हूँ, क्योंकि हमने देखा है कि लास्ट, मतलब पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि लास्ट फ्यू डेज से कि वी आर गेटिंग अ सो मच रिक्वायरमेंट्स फॉर द स्टूडेंट्स। बहुत मॉड्यूल सारे कॉल्स हैं, बहुत सारे वो, तो अभी भी क्या है कि बहुत सारे कुछ ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो अभी भी रह गए। ठीक है, उनका लेट कॉल आया, जैसे कि आज की मैं बात करूँ, आज भी लगभग 2 से 3 कॉल आए। तो अभी ये है कि अब वो वाले बैच तो स्टार्ट हो चुका और उसमें ज्यादा गैदरिंग भी मैं नहीं रखना चाहता। तो अभी ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि ये, जैसा कि आपने बताया कि ये काम करते हैं, एक बैच और स्टार्ट कर लेते हैं और टाइम निकालता हूं मैं। और आप, जैसे आपने रिक्वेस्ट किया कि जो अभी जो आ रहे हैं या फिर अभी जो करने के लिए इच्छुक है, क्योंकि नेक्स्ट बैच जो स्टार्ट होगा वो मे बी 4 मंथ बाद होगा, 4 मंथ हो जाएगा, वो काफी लेट हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर तो से लग अभी ये, जाएगा। हाँ नेक्स्ट ईयर अब हो जाएगा, तो अभी ये सोचा जा रहा है कि चलो ठीक है, कोई नहीं, अगर ऐसी बात है तो थोड़ा सा और समय निकालूंगा, थोड़ा सा और मैनेज करूंगा। ठीक है, एक बैच और स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली सर, लाइक स्टूडेंट्स का ये कन्फ्यूजन रहता है जो मैं अलग से हम लोग बताते हैं ड्यूरिंग द कोर्स कैरिकुलम। सो लाइक ये कोर्स कितने दिन तक चलेगा उनका? अगर मैं उसकी बात बताऊं तो मैंने कुछ बफर टाइम भी लेकर के जोड़ दो। अगर मैं ऐसा का कहूं तो 48 आवर का है कोर्स जो ड्यूरेशन होता है, और वो सैटरडे संडे की जो ट्रेनिंग होती है, और सैटरडे को और संडे को ये अराउंड 1.5 या फिर 2 2 आवर तक होती है ट्रेनिंग। अगर हम वैसे देखें तो मैक्स टू मैक्स 4 मंथ तक जाता है, क्योंकि तो कुछ हम बफर टाइम भी मतलब एक या दो जो है सैटरडे संडे हम कुछ एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, ताकि अगर किसी भी रीजन से अगर छूट जाए, कहीं ना कहीं अगर मैं फ्री नहीं हो पाया या कभी स्टूडेंट नहीं हो पाया या किसी भी रीजन से सर्वर नहीं चल पाया, ठीक है, तो हम थोड़ा बफर टाइम लेकर के हम ये सोच के चलते हैं कि 4 मंथ में, मैक्स टू मैक्स 4 मंथ में हम खत्म कर देंगे बैचेस। सर ये जो एसएपी का फीको मॉड्यूल है वो कौन कौन से बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं? लाइक सिर्फ सीएमए के बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं या बीकॉम एमकॉम? आप थोड़ा सा इसके नहीं बारे नहीं में ऐसा बताओ। नहीं है। अगर मैं उसकी बात करूं तो जो फीको मॉड्यूल है, जो स्पेशली इस नाम से जाना जाता है फीको, जो कि हमारे फाइनेंस एंड कॉस्टिंग होता है, FI फॉर अ फाइनेंस, CO फॉर अ कॉस्टिंग। और ये चीज हर वो बंदे के लिए है या हर वो पर्सन के लिए है जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड से है। ठीक है, जैसे BCom हो गया, BBA हो गया, CA हो गए, ICAW या CMA, अब एक ही है। तो अगर मैं ये कहूँ MCom, MBA, जो भी हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और जो SAP सीखना चाहते हैं, जिनको लगता है कि मेरे की, हाँ मेरा इंटरेस्ट लगता है कंप्यूटर में, मेरा इंटरेस्ट है मोबाइल चलाने में, ठीक है, वो कभी बोर नहीं हो सकते, वो तो सक्सेस हो जाएं। क्योंकि मैं करना क्या है कि बस मैं टेक्निकल नॉलेज देना है और उस पे सिस्टम पे उसी को इम्प्लीमेंट करना है। तो ये अच्छा हर वो बंदे की जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है। सर, सर एक क्वेश्चन और रहता है, जनरली बच्चे पूछते रहते हैं कि सर हमें जो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे एसएपी जो हम सर से सीखेंगे उसमें रियल प्रोजेक्ट्स के भी हमें चीजें सीखने को मिलेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो खास बात है जो हमारी ट्रेनिंग में है।
क्योंकि हमने देखा है क्या कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं कि वहां पे जो ट्रेनर्स होते हैं वो अभी सीख रहे होते हैं, सीख करके जब तक उनको जॉब नहीं लगती तो वो वहीं पे पढ़ाने लगते हैं। लेकिन आपको तो पता ही है, मेरे ख्याल से आपको ही मेरे को देते देते आई थिंक टू टू ईयर तो हो ही गए होंगे, या मोर देन 2 ईयर भी हो गए होंगे। उससे पहले से मैं जॉब कर रहा था, 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है। इन 8 सालों में जो भी मेरा जो लाइव एक्सपीरियंस है, जो मैंने काम किया है, आपको भी पता होगा कि जो हम पढ़ते हैं वो और लाइव में जब जाते हैं मार्केट में वो जमीन आसमान का फर्क। तो जो मैंने सीखा है, जो लाइव एक्सपीरियंस जो मैंने गैदरिंग किया है, जो मैं क्लाइंट को फेस करता हूँ कैसे करता हूँ, मैं सारा का सारा ट्रांसफॉर्म करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो भी हों, जब भी वो कोर्स कर लें, जब भी वो मार्केट में जाएं, तो उनको लाइव ट्रेनिंग दें कि लाइव में कैसे कैसे सिचुएशंस होते हैं, कैसे कैसे क्लाइंट्स को हैंडल करने होते हैं, क्या करना होता है। केवल बुक इज नॉलेज नहीं, जो मेरा लाइव एक्सपीरियंस है मैं वही शेयर करता हूँ स्टूडेंट्स को। सर आप एक पॉइंट और ऐड कर दो, आपने किस किस कंपनीज में आपने अभी तक काम कर लिया है? अभी अगर मैं बात करूं तो कई मल्टीनेशनल कंपनीज हो चुकी हैं, कुछ छोटी कंपनियां भी हैं, ठीक है, और कुछ मल्टी कंपनीज भी हैं। मैंने जो स्टार्ट अपना करियर किया था तो वो एक केरला की एक कंपनी थी, वो छोटी सी थी वैसे तो कुछ नहीं, लेकिन एक चीज ये है कि कोई छोटी कोई बड़ी नहीं, जितना हमें लर्निंग जो मिलता है वो छोटी कंपनी में मिलता है ना, उतना बड़ी में नहीं होता। देन उसके बाद मैंने IBM में काम किया, ब्रिटानिया में काम किया, मर्सिडीज बेंज में काम किया, जेनपैक में काम किया, देन रतन इंडिया में काम किया। तो ओके इन सारी कंपनियों में काम किया है, लेकिन अगर मैं कहूँ तो छोटी कंपनियों को ज्यादा सीखने को मिलता है। ग्रेट 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 सर। सो बेसिकली यस सर, लाइक जो बच्चे अगर बीकॉम करके अगर एसएपी में आते हैं तो वो अपने देखिए, कैरियर को किस तरीके से देख सकते हैं? जो बीकॉम करके आते हैं ना, वो भी अपने करियर को एक बहुत ही अच्छे और प्रोफेशनल लाइफ से वो कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो बीकॉम है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मेरे को एकदम मास्टर डिग्री चाहिए या फिर मेरे को एकदम जैसे CEO CMA हो, अगर वो है तो वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो नहीं भी है तो ऐसा नहीं सोचना है कि अगर मेरे पास वो नहीं होगा तो मैं नहीं, ठीक है। क्योंकि जब हम यहाँ पे आते हैं तो स्टार्टिंग में यहाँ पे जो अगर अकाउंट की बात करूं तो जनरली जो होता है वो बेसिक नॉलेज की जरूरत होती है, तो बीकॉम वालों को भी उतना बेसिक नॉलेज होता है, ठीक है। अब अगर सपोज आपको भी पता होगा कि हम जब सिस्टम में कोई एंट्री करते हैं तो वहां पे क्या जनरल एंट्री बननी चाहिए। अगर मैं CA हूँ CMA हूँ तो वेल एंड बेस्ट है। अगर मैं CA CMA नहीं हूँ, मान लो प्लेन BCom हूँ या कुछ हूँ, तो मैं वहां पे क्या करूंगा, मैं क्लाइंट से पूछूंगा कि क्लाइंट आप मुझे बताओ आपका रिक्वायरमेंट ये है, मैं इसको करूंगा ऐसा, मैं आपको करके दूंगा, इसके बिहाफ में एंट्री क्या बनेगी आप बताओ। वो एंट्री बनाना मेरा काम है, मैं कैसे बना करके सिस्टम को कैसे मैं कॉन्फिगर करूं कि वो एंट्री बन के आए। तो अगर BCom वाले हैं, अगर प्लेन BCom है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक आज के समय में इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं। अगर क्योंकि रिसेशन भी आ जाता है ना, तो SAP पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो SAP जो कंपनियां काम कर रही हैं, जिनका सॉफ्टवेयर चल रहा है, वो काम नहीं रोकेंगे, वो काम नहीं रोकते। तो क्योंकि अगर जहां उन्होंने रोका, उनका डिस्टर्ब हुआ बिजनेस। सर एक और लास्ट क्वेश्चन है, लाइक आप ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट्स को हायर करते हैं एज एसएपी प्रोफाइल पे, तो क्या आप कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेशन देखने के बाद ही हायर करते हैं या नॉलेज देखने के बाद हायर करते हैं? नहीं, मैं देखिए, सर्टिफिकेशन तो सबको पता है कि सिर्फ कहने के लिए है। और सपोज अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं हूं या कोई भी हो, ठीक है, 98% जो इंटरव्यूअर होते हैं वो क्या देखते हैं कि जो चीज की मेरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, यानी मेरे को चाहिए ऐसा बंदा, जस्ट अगर एग्जांपल, मेरे को ऐसा चाहिए, ऐसा बंदा चाहिए जो मेरा एक प्रोजेक्ट है वहां पे एसेट्स का काम चल रहा है, एसेट मैनेजमेंट। सबको पता है कि एसेट मैनेजमेंट जो है, आपको भी पता है कि एसेट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है और एक बहुत बड़ा टफेस्ट टॉपिक मॉड्यूल है। है। तो अभी क्या है कि मेरे को बस ऐसा बंदा चाहिए जो मेरा एसेट्स का काम संभाल सके, मेरे को सर्टिफिकेशन से कोई मतलब नहीं। ठीक वही बात आ गई ना कि अगर कोई बंदा अगर फर्स्ट डिग्री है या सेकंड, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मेरे को उसकी नॉलेज कितनी है, वो क्या मेरा वो काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, जिस चीज के लिए मैं उसको हायर कर रहा हूं मेरे एसेट्स मैनेजमेंट का संभालने के लिए, क्या वो कर पाएगा। तो मेरे लिए तो सर्टिफिकेशन का कोई मायने नहीं रखता, मेरे लिए चाहे कोई भी हो, एक कोई भी कंपनी हो, सर्टिफिकेशन का कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। पहले वो आपकी नॉलेज चेक करेंगे, अगर आपकी नॉलेज सही है, वेल एंड बेस्ट है, आपको लगता है कि अगर नहीं भी है बहुत अच्छा कोई बात नहीं, अगर लगता है कि हाँ ये बंदे को हल्का फुल्का नॉलेज है, बाकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हम दे देंगे, ठीक है, उसके बाद ये बंदा कर लेगा तो वो ओके है। सर्टिफिकेशन तो मैं बाद में रखता हूं, मैं या कोई भी हो, वो सेकेंडरी ऑप्शन होता है, पहले होता है नॉलेज। तो नॉलेज ज्यादा जरूरी है, सर्टिफिकेशन का कोई इंपॉर्टेंट नहीं। ओके
सो सर लास्ट क्वेश्चन, जो हम ये बैच स्टार्ट करने वाले हैं उसके टाइमिंग्स क्या रहने वाली है लाइक? टाइमिंग्स की अगर मैं बात करूं तो अभी तो रोहन आपको भी पता है कि अभी पूरा फाइनल नहीं हुआ है टाइमिंग, और टाइमिंग्स वैसे वैसे ही फाइनल होंगे। जैसे कि सपोज हमारे बैच में अगर 8 to 10 अगर स्टूडेंट्स हैं तो मैं उन्हीं से पूछूंगा आप कब फ्री हो, ठीक है, कब कौन समय दे सकता है। जैसे इवनिंग में कोई अगर सारे बंदे अगर ओके हैं कि हाँ ठीक है मैं इवनिंग में समय दे दूंगा, हम क्या करेंगे इवनिंग में बैच रख लेंगे, क्योंकि मेरे को तो फिर पढ़ाना ही है तो मैं तो समय निकाल लूंगा क्योंकि मेरा फोकस ही है। और अगर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि नहीं सर मैं इवनिंग में नहीं हूँ, मैं मॉर्निंग में रखना चाहता हूँ, मैं मॉर्निंग में ही अवेलेबल हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा बैच होगा, जैसा ग्रुप होगा, जैसा सारे बच्चों के लिए ठीक है इजीनेस हो, जहां सारे बच्चे एग्री हो, लगे कि सारे स्टूडेंट सब ठीक हैं, तो वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। मॉर्निंग इवनिंग का वैसे तो मैंने कभी सोचा नहीं है, उसी समय देख लेंगे, बात कर लेंगे बाकी के लोगों के लिए क्या सही है वैसा ही कर तो लेंगे। जो हमारी करंट बैच की टाइमिंग चल रही है उसके अकॉर्डिंग हम एक दो आबर ऊपर नीचे करके हम अभी मैनेज जो हमारी कर करंट बैच चल रही है वो चल रही है 11 o'clock, ठीक सकते है, 11 to 1 1/2, तो दैट मीन्स अगर हम ये बात करें तो अगर अगर मॉर्निंग में 9 9 to 11 कर सकते हैं, या और पहले 8 to 10 कर सकते हैं, या फिर 6 to 8 क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसा भी होगा वो आपस में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सबके मतलब डिस्कशन के बाद, राय मशवरे के बाद हम आपस में डिस्कस कर लेंगे क्या चीज बेटर होगा सबके लिए, वैसा ही कर लेंगे ओके 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 ये। सो बाकी जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कोर्स की, आप वहाँ से जाके आप कोर्स से आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो। एंड जो भी फीस है, फीस अप्रोक्स 25,000 आपको है जो आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। और ये सिर्फ यहीं पे सर ये ऑप्शन देते हैं, बिकॉज एक टाइम मेरे साथ भी था कि फाइनेंशियली मैक्सिमम बच्चे जो आते हैं वो फाइनेंशियली इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते, तो इसलिए सर ने बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी दे रखा है कि आप 2 बार में फीस आप पेमेंट कर सकते हो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप 12,000 दे लो और या फिर 13,000 दे लो, फिर जो रिमेनिंग अमाउंट होता है आपका जब 50% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब देना है आपको। और ये 50% कोर्स कंप्लीशन मार्केट में कोई भी आपको नहीं देगा कि पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ 50% और फिर आप आके मुझे बाकी का फीस देना। 99% जितने भी इंस्टीट्यूट है पूरे पैसा आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में लेती है और फिर वो क्लासेस देती है, और उसमें कुछ क्लासेस देती भी है कुछ क्लासेस नहीं भी देती है। बट इसलिए मैं सर को यहाँ पे लेके आऊँ बिकॉज मैं बच्चों की हेल्प करना चाहता हूँ, जो भी बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं और SAP सीखना चाहते हैं वो सर के साथ जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आई विल ट्राई कि वो सारी आपकी प्रॉब्लम सर के साथ रिजॉल्व हो जाए और आपको बेस्ट क्वालिटी सर्विस मिले। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो, होप सो कि आप जल्द से कोर्स ज्वाइन करो। हमारा नेक्स्ट वीक का ही टारगेट है कि जैसे ही दशहरा खत्म होता है देन वी विल स्टार्ट दी बैच, और हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन 2-3 बच्चों ने कर लिया है, तो हमारा टारगेट भी 10 स्टूडेंट्स का ही इस बैच में, तो मैक्सिमम हमारे पास 7 सीट्स और अवेलेबल है, तो 7 बच्चों में से अगर आप हो जाते हो तो आप, मैं 100% श्योर हूँ कि SAP एक ऐसा फील्ड है जिसमें पैसे कमाने की कोई लिमिटेशन नहीं। अभी आपको डिसाइड करना है कि आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो, थैंक्स सर। थैंक यू रोहन, ओके सर, सो मिलते हैं फिर, ओके बच्चे आते हैं श्योर, क्लास में तो फिर आप क्लास आप स्टार्ट करो, एंड मुझे पता है कि आप अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विस बच्चों को प्रोवाइड करोगे और बच्चे भी मेरे जैसे ही नाम रोशन करेंगे आपका। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कई हैं आपको पता है कि मुकेश भी हो गया, ऋषभ हो गए, ऐसे तो कई हैं जिन्होंने जिसको मैंने ही पढ़ाया और अपने साथ ही रखा है, बाकी तो लगभग 70 to 75% जो बंदे हैं कहीं ना कहीं तो सेट हो ही जाते हैं। यस सर, अपॉर्चुनिटीज इतनी हैं SAP में कि हमें किसी को रेफरेंस की भी जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, ओके चलो सर, फिर ठीक है, बाय ओके बाय, ओके सर। चलो बाय बाय, टेक केयर।